नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा की इस वक्त की बड़ी खबर, ताजनगरी आगरा के यमुना एक्सप्रेसवे के पास तालाब में डूबे 8 बच्चे, 4 बच्चे व महिला को बचाया, 4 बच्चों की मौत का मामला बताया जा रहा है। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के पास बने तालाब में 8 बच्चे डूब गए। बच्चों को बचाने आई महिला भी डूब गई और शोर सुनकर पास में क्रिकेट खेल रहे युवक दौड़ कर आए, साथ ही साथ होमगार्ड भी दौड़ कर आया और युवकों ने और महिलाओं ने बच्चों को रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रयास किया। बड़ी मुश्किल से महिला और बच्चों को देखिए बाहर निकाल लिया गया है और तालाब में डूबने से चार बच्चों की मौत भी बताई गई है। इसमें बताया गया है कि होमगार्ड का कार्य सराहनीय रहा, जिसने अपनी जान पर खेलकर बच्चों को बचाने का देखिए भरसक प्रयास किया है। पास में बनी चौकी से पुलिसकर्मी भी तुरंत पहुंचे और बच्चों को बचाने के लिए पुलिसकर्मी टायर के सहारे तालाब में उतर गए। उन्होंने महिला और बच्चों को बाहर निकाल लिया और देखिए कि आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। बताया गया है कि यमुना एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज पर तालाब है और यहाँ पास में ही घुमंतू जाति के लोग झोंपड़ी बनाकर रहते हैं। बारिश के चलते तालाब में पानी भरा और रविवार सुबह करीब 10:30 बजे बच्चियां तालाब पर कपड़े धो रही थीं। बताया जाता है उनके साथ छोटे बच्चे भी थे। कपड़े धोते समय बच्चे अचानक पानी में नहाने चले गए और तभी पैर फिसलने से तालाब में वह डूबने लगे। एक दूसरे को बचाने के प्रयास में सभी बच्चे तालाब में डूबने लगे और शोर सुनकर महिला नगीना बच्चों को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन वह भी डूब गई। तभी वहां युवक क्रिकेट खेल रहे थे, वो भी मौके पर दौड़े और उसके साथ साथ आपको बता दें पुलिसकर्मी और महातैनात होमगार्ड भी बच्चों को बचाने के लिए तालाब में उतर गए। उन्होंने छोटे बच्चों और महिला को बाहर निकाल लिया। बताया गया है जिनमें नगीना उम्र 35 वर्ष, हिना पुत्री अजय, खुशी पुत्री हरदौल, चांदनी निदा पुत्री भजन सिंह, अनुजा पुत्री अजय डूबे, जिनमें से 2 की मौत हो गई है और 3 को अस्पताल भेजा गया है। बच्चों की उम्र करीब 10 से 12 साल बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि कुल 4 बच्चियों की मौत का मामला सामने आया है। तो जानिए ACP से क्या है पूरा मामला और जानिए जाबाज होमगार्ड से किस प्रकार उन्होंने अपने जान पर खेलकर बच्चियों की जान बचाने का भरसक प्रयास किया है। आज दिनांक 7/7/2024 को खंदौली इंटरचेंज के पास 9 लोगों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर थाना पुलिस को जब सूचना दी गई, उससे पहले इंटरचेंज पे होमगार्ड मौजूद थे, मुकेश कुमार चौहान और 2 लोग और थे, जितेंद्र शर्मा और विष्णु। उन्होंने 5 लोगों को सकुशल रिकवर किया गया था। 3 की मौके पर डेथ हो गई थी, 1 को खंदौली CHC भेजा गया था जहाँ पे उसे डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। 5 लोग अभी इसमें सकुशल रेस्क्यू किए हैं। इसकी व्यवस्था के लिए उन्होंने आसपास बैरिकेडिंग करनी चाहिए थी। अभी ये लोग 10-12 दिन पहले ही घुमंतू जाति के लोग हैं जो कानपुर जिले से यहाँ आए थे। इनको यहाँ शेल्टर दिखा तो इसको ये लोग यूज करने लगे अपनी रोजमर्रा की लाइफ में। लेकिन जिन्होंने भी इसे बनाया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट को, उन्हें इसकी बैरिकेडिंग या कम से कम सेफ्टी मेजर जरूर लेने चाहिए। एक बार नाम बता दो यार। मुकेश कुमार। इसको कहाँ पहुंचते हो आप? खंदौली थाना। इस घटना की कैसे जानकारी मिली? बड़ी घटना हुई है, आपने काफी सराहनीय काम किया। हमारी ड्यूटी, हमारी ड्यूटी जो है ये चेंज वाहन खड़े होते हैं ना, यहाँ लगती है रखाने पे इनको देखभाल। तो हम उधर बैठे थे तो यहाँ से आवाज गई थी, कुछ हल्ला था, तो मैंने कहा ये क्यों आवाज है रही, तो मैं भाग के आया था वहां से। तो मैंने अपना पैंट उतारा, मुझे दिखी कि बच्चे डूब रहे हैं, इसमें औरत भी है, तो मैं कूद गया अपना। मैं कुछ नहीं, छोटेपन पे थोड़ा पैरा था, लेकिन अब तो मैं 20 साल से किसी गड्ढे में नहीं घुसा हूं, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर मुझे दिखाई दिया कि एक आध बच जाए तो ठीक है मेरे हाथ से। मैंने 3 लोगों को निकाल लिया बाहर। हाँ, 3 सब कुछ बताया जा रहा। हाँ सर, मैं, मुझे इतना अनुभव नहीं था, मैंने तो केवल मुझे दिमाग में एक ही बात गई थी, तो मेरे अगर मतलब मैंने कुछ नहीं देखा, फिर जो चीख पुकार मुझे रहम आया तो मैं कूद गया। और इसी के साथ जुड़े रहे आप हमारे साथ और देखते रहे हिंदुस्तान सिविल न्यूज।